है सर, बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई, क्या प्रभाव? देखिए, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की आबकारी और पुलिस हमारे संयुक्त टीम में लगातार लगी है और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो हमको एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोनीपत हरियाणा का एरिया है, वहाँ से शराब को पलटी करके या अन्य को फोर्ज करके ये लोग लेके आ रहे हैं। तो उसी सूचना पे हमने सीओ साहब और अपने आनंद जी एसओ हैं, उनको कहा कि रात के टाइम में हमें ये लोग आ रहे हैं, तो ये गाड़ी नंबर मिला था, तो इसको मुजफ्फरनगर में उस जगह पे जहाँ ये लोग इसको स्टोर करना चाह रहे थे, वहाँ से ये पकड़ा गया। ये मैं आपको इस के विषय में एक चीज़ और वाजे कर दूँ कि इलेक्शन के दौरान किसी भी के द्वारा यदि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कहीं से की जा रही हैं या किसी के द्वारा किसी ग्रुप को इस तरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो वो हमारी जद में है। ये सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि एसओजी और आबकारी लगातार जिन लोगों पे शंका या शुभ होता है उसमें आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो हमें ये सूचना देते हैं, वो सूचना के आधार पर ये सूचना कल्टिवेट की जाती है और लोग टीमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचती है और कार्रवाई करते हैं। ये उसी का सबूत है। और इसी के साथ जो हम लोगों को कुछ और ऐसी सूचना मिली है कि वो जो सोनीपत में लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो हम पुलिस और आबकारी विभाग, हम एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि वहाँ जाकर भी उन लोगों को ही पकड़ें, ताकि इनका अगर कोई और ग्रुप हो जो जनपद मुजफ्फरनगर या जनपद मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में भी होंगे, अब उनको भी पकड़ें और कार्रवाई करें। कैंडिडेट को सर ये सप्लाई कर रहे थे, क्या मामला मतलब पूरा? नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं कि ये कैसी कैंडिडेट दे रहा था। हमें ये था कि इनके द्वारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो सर्वेलांस में पता लगा कि इसके द्वारा इन शराब का ऑर्डर दिया जा रहा है और वहाँ से वो लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आकर के हमने इसी को इंतजार करके कि ये कहाँ लेके जाता है, तो उस जगह पे जहाँ स्टोर का था वहाँ पकड़ा गया। अभी इस तरह की कोई सूचना हमें नहीं मिली है। ठेके पे सप्लाई की इन्होंने शराब? नहीं, ठेके की इसका कोई सूचना नहीं है, ना ठेके पे है, क्योंकि जो शराब ये हमने तनकी करी गई है ये लो स्ट्रेंथ की है, तो ठेके का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फेक है और फोर्स्ड है। ये शराब तस्कर जो है तो सरगिरे ही रहते हैं, वो माफिया हो या जो हरियाणा मार्ग लेकर आते हो, लेकिन चुनाव के टाइम पे ही आपका सर्विलांस इतना जल्दी क्यों काम करता है? आपको अगर कह दो कि इस पिछले चुनाव के दौरान के अलावा भी जनपद मुजफ्फरनगर में इतने माफिया और जिनको पड़े कार्रवाई की गई है, शायद पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और इसका एक सीधा सा रिफ्लेक्शन है कि जनपद मुजफ्फरनगर राजस्व जो पिछले 2-2.5 सालों में 25% नहीं 35% ज्यादा हो चुका है, तो उन कार्रवाई करके ही उनको रोका गया और परिणति आपको राजस्व दिखाई दे रही है। ठीक है, थैंक यू।